दूसरा एक दिवसीय मुकाबला जो कि भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, उसमें भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। पहला मुकाबला जो कि टाई रहा। यदि हम देखें T20 श्रृंखला का T20 मुकाबला, तो उसमें भारत के जो युवा प्रतिभा थे वो कमाल बल्लेबाजी करते हुए दिखे, कमाल गेंदबाजी करते हुए दिखे। चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो अन्य बल्लेबाज और अन्य गेंदबाज, उसमें हर खिलाड़ी अपना अहम योगदान दिया और अपने अहम प्रतिभा के साथ अपने खेल को आगे लाया, आगे दर्शाया। परंतु हम जब एक दूसरे मुकाबले की तरफ अग्रसर होते हैं, उसमें भारत कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर दिखी। भारत के खिलाड़ियों का बल्ला उस तरीके से नहीं चला, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अन्य बल्लेबाज। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चला, वो 68 पारी खेले, परंतु वो काफी नहीं था। हम आपको बता दें, वो श्रीलंका का होम ग्राउंड है। यदि आपको किसी के घर में घुसकर किसी को हराना है, तो आपको उस तरीके का खेल दिखाना होगा। मानते हैं आपने विश्व जीता है, परंतु आपको ये अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है। आपको एक अच्छी पारी खेलनी है, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी है, एक अच्छी गेंदबाजी करनी है, तभी आप अच्छे मुकाबले से अच्छे अंतर से जीत पाएंगे। पिछले मुकाबले की बात करें तो उसमें अर्शदीप सिंह आसानी से सिंगल लेकर ये मुकाबला खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो छक्के के तरफ गए और ये मुकाबला भारत के पकड़ से दूर होता गया और भारत को इसमें हार का सामना करना पड़ा। हम आशा करते हैं कि आने वाले जितने मुकाबले हैं, उसमें भारत अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और अच्छे रूप से बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी करेगा। ऑलराउंडर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, चाहे वो अक्षर पटेल हों, चाहे वो शिवम दुबे हों। श्रीलंका हालांकि हम पे हावी है, परंतु आने वाले मुकाबलों में भारत वापसी कर सकती है। एक काव्य है कि नहीं कमजोर हो तुम सब, तुमने विश्व जीता है, माना हार पाए हो, बादल दुख का बीता है, उठो फिर से, लड़ो फिर से, आगे खूब जाओगे, भारत देश का अपने आगे नाम लाओगे, चलाओ फिर से तुम बल्ला, न चुपचाप हो जाओ, बनो भारत के फिर से शेर, जीत में फिर से खो जाओ, जीत में फिर से खो जाओ। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी इधर, देखते रहिए क्रिकेट इंशोमिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, प्ले स्टोर पे जाएं, क्रिकेट इंशोमिया डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।